अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मतलब पाकिस्तान का बाब नंबर 2 पाकिस्तान के हारजा ताल्लुकात पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाक रूस ताल्लुकात। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। मई 1948 में दोनों ममालिक में सफारती ताल्लुकात कायम हुए और फिर रूस में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। अगले बरस रूस में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। सफ़ीरों के तकरर से पहले ही रूसी वज़ीर आज़म मार्शल जोसेफ स्टालिन की तरफ से जून 1949 में 1949 में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मिस्टर लियाकत अली खां को दौरे की दावत दी गई। इस दौरे के लिए अगस्त का महीना तजवीज़ किया गया, ताहम वो इसको नज़रअंदाज करके अमेरिका के दौरे पर चले गए और जुलाई में रूस से एक तजारती वफ्द पाकिस्तान आया और इस वफ्द भी नाकाम ही रहा क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कोई समझौता तय ना पा सका। लियाकत अली खान ने 1950 में अमेरिका का दौरा किया और रूस ने पाकिस्तान को जानिबदार मुल्क करार दिया। मार्च 1956 में रूसी दारुल हुकूमत मास्को में पाकिस्तानी सफारतखाने ने योम पाकिस्तान की तकरीब मनाकिद की। इसमें रूसी वजीर हारजा ने शिरकत की और पेशकश की कि जिस तरह रूस ने भारत को स्टील री रोलिंग मिल के क्याम के लिए मदद दी है, इसी तरह की एक मिल के लिए रूस पाकिस्तान को भी मदद दे सकता है। मार्च 1961 में दोनों ममालिक ने एक मुआहदा तय पाया जिसके तहत रूस पाकिस्तान में तेल तलाश करना था, 5 साल के लिए गैस की तलाश के सिलसिले में अपने माहरीन को भी भेजा। इस माहदे के नतीजे में सबका तलही कम करने में मदद मिली। 2 वर्ष बाद दोनों ममालिक के दरमियान फजाई सर्विस का इजरा हुआ। 1964 में फनी और साइंसी तावन का एक समझौता भी तय पाया और यूं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर होने लगे। 1965 में सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने रूस का दौरा किया। दोनों ममालिक के दरमियान 3 मुआहदे तय पाए जिनके तहत साबका तजारत की मालियत बढ़ाकर दुगनी कर दी गई। रूस ने कर्जे के तौर पर 15 से 25 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। सकाफ़ती मुआहदे के तहत मुख्तलिफ फ़नी माहरीन तुलबा अदीबों और फ़नकारों के साथ साथ रेडियो और टीवी प्रोग्रामों के तबादले पर भी इतफाक़ किया गया। 1965 की पाक भारत जंग के बाद जनवरी 1967 में रूस ने ताशकंद के मकाम पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा करवाकर जंगी कैदियों की वापसी और इलाकों पर कब्ज़े का मसला हल करवाया। मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद एक नए दौर का आगाज़ हुआ। 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक्तदार संभाला तो उन्होंने देखा कि अमेरिका ने सेनेटों और सीटों के मुआहदात के बावजूद पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की, तो उन्होंने इन मुआहदात को छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1973 में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। 1988 में अफ़गान मसले को हल करने के लिए एक मुआहदा तय पाया जिसे मुआहदा जिनीवा का नाम दिया गया। इस मुआहदे की रूह से रूस ने 9 माह के अंदर अंदर अपनी फ़ौजें बुलाने का फ़ैसला किया। अब मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात या तआवुन जारी हैं। पाक बरतानिया ताल्लुकात लॉन्ग क्वेश्चन है। पाकिस्तान और बरतानिया मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में एक दूसरे के शाना बशाना रहे। 1955 में सीनेटों का मुआहदा तय पाया तो इसमें भी बरतानिया और पाकिस्तान दोनों शरीक थे। 1961 में बरतानिया ने सिंध तास मुआहदे के तहत नहरी पानी के मतबादिल इंतजामात के लिए मदद की। इसके अलावा 1961 में रेलवे वैगन खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपये के लगभग इमदाद भी दी। 1967 में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक समझौते पर दस्तखत हो गए जिसके तहत इंतहाई नर्म शराइत पर पाकिस्तान को 40 लाख पाउंड का कर्जा दिया गया। 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनी तो उन्होंने 1972 में दौलत मुश्तरका से अलैदगी का ऐलान किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुनेजो ने 1987 में बरतानिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बरतानवी इमदाद और तआवुन काबिले सताइश है। जुनेजो ने बरतानिया के दूसरे शहरों का दौरा किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़ दिया जाएगा।
पाकिस्तान की वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने बरतानिया का दौरा किया। अपने एक हफ्ते के दौरे में उन्होंने मसला अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और पाक भारत तालुकात पर भी बातचीत की। पाकिस्तान एक बार फिर दौलत मुश्तरका का मेंबर बन गया। अगरचे भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की शदीद मुखालफत की, लेकिन पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका का मेंबर बना लिया गया। 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका बरतानिया का इतिहादी बना। 2002 में दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए एक दूसरे से तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। 2003 में परवेज़ मुशर्रफ लंदन पहुँचे और बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर से मुलाकात की। इस मुलाकात में तनाज़ कश्मीर के हाल में तआवुन का मुकम्मल यकीन दिलाया गया। 2005 में दौलत मुश्तरका का इजलास यूरोप के एक मुल्क जमहूरिया माल्टा में मनक़द हुआ, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की जंग में शामिल होकर ये बात वाज़े कर दी है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है, दुनिया में अमन चाहता है। 2005 में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आने वाले जंजले में बरतानिया और दौलत मुश्तरका के दोनों मेंबर ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की। 18 फरवरी 2008 के इंतहाबात के बाद पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का क्याम अमल में आया। 2010 में आसफ अली जरदारी ने बरतानिया का दौरा किया। इस मौका पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ना ख़त्म होने वाले हैं। 2011 में अपने दौरा पाकिस्तान के मौका पर वज़ीर आज़म बरतानिया ने कहा कि पाकिस्तान का दुश्मन बरतानिया का दुश्मन और उसका दोस्त हमारा दोस्त है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, तालीम, सकाफत समेत तमाम शोबों में मुस्तहकम ताल्लुकात कायम हुए। 2014 में पाकिस्तान और बरतानिया के वज़राए आज़म की लंदन में मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबा में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान अब सियासी, तजारती, सकाफती और तालीमी वफूद का तबादला होता रहता है। पाक बरतानिया ताल्लुकात आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात। यूरोपीय ममालिक ने बाहमी तौर पर एक यूरोप के तसव्वुर के तहत यूरोपीय यूनियन बनाई है। यूरोपीय यूनियन 28 ममालिक की एक तंजीम है। यूरोपियन कमेटी के ताल्लुकात 1976 में कायम हुए पाकिस्तान के साथ। अब तक यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और प्रोग्रामों पर 500 मिलियन यूरो से ज़ायद खर्च कर चुकी है। 1980 की दहाई में यूरोपीय कम्युनिटी ने पाकिस्तान में समाजी बहबूद के बहुत सारे मंसूबे शुरू किए, जिनमें सड़कों, पुलों की तामीर, मछली बंदरगाह की सहूलत, देहात में बिजली की फराहमी, मवेशियों की बेहतरी, तालीम, वोकेशनल ट्रेनिंग और देही बहबूद वगैरह शामिल हैं। 1990 की दहाई में यूरोपियन यूनियन ने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक इंसानी वसाइल की तरक्की और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए कुछ मंसूबे शुरू किए, जिनके नतायज काफ़ी हौसला अफजा थे। 2004 में यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान की तजारत को बढ़ाने के लिए फनी मावनत का एक प्रोग्राम शुरू किया। 2002 से 2006 के लिए पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए यूरोपियन यूनियन ने 75 मिलियन यूरो मुख्तस किए। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के शमाली इलाकों और आज़ाद कश्मीर में आने वाले जंजले के मुतासरीन की मदद के लिए यूरोपीय यूनियन ने 93.6 मिलियन यूरो की इमदाद का ऐलान किया। 17 जून 2009 को बेल्जियम के दारुल हुकूमत बर्सलर्स में पाक यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान ने शिरकत की। 2012 यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की तजारत का हुजम 802 बिलियन यूरो था।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात। ये आपको नोट की सूरत में 4 नंबर का आ सकता है। जापान का मुल्क बर आज़म एशिया के मशरक़ में 4 बड़े और कई छोटे जज़ीरों पर मुश्तमिल है। ये इंतहाई मशरक में है, लिहाजा इसे चढ़ते सूरज की सरजमीन कहते हैं। टोक्यो जापान का दारुलहुकूमत है और ये कदीम तरीन शहर है। जापान में मशीनरी, कपड़ा, रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें, खुराक, मशरूबात तैयार करने वाली मुतअद्दिद फैक्ट्रियां हैं। बिजली का सामान, रेडियो, टेलीविज़न, कैमरे, घड़ियां, मुतफरिक सामान तैयार करने के बेशुमार छोटे बड़े यूनिट कायम हैं। भारी सनतों में फ़लाद साजी, जहाज साजी और तेल साफ़ करने के कारखाने भी मौजूद हैं। ये कारखाने ज़्यादातर साहले समुंदर के साथ वाक़िया हैं। जापान बड़े आज़म एशिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। पाकिस्तान जापान से गाड़ियाँ जापान ने पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी समेत कई मंसूबों में सरमायाकारी कर रखी है। जापान पाकिस्तानी मछली के खरीदारों में नुमाया हसियत रखता है। 9/11 के वाक़े के बाद शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में नुमाया करदार अदा करने पर जापान ने पाकिस्तान की कई बार मदद की। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन और नोट की सूरत में आने वाले सवालात के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर अहतमाम पज़ीर हुआ। अल्लाह हाफिज़।